Hi guys, welcome back to our new video. Long time no see. तो guys, आज की वीडियो है Q&A वीडियो, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टाइम से। तो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा है कि आप लोग कौन से क्लास के हो, आप लोग कौन से कोर्स के हो, आप कौन से हॉस्टल के हो। तो हम लोग बीटेक फोर्थ ईयर में है, हमारी ब्रांच डबल ई है और हमारा हॉस्टल जो है वो श्री शांता स्थानिया में, ठीक है। और फोर्थ ईयर, कुछ लोगों का फोन का था स्कूल में फोन अलाउड है या नहीं है। स्कूल में आई गेस 10th तक फोन अलाउड नहीं है और 11th 12th में अलाउड है, ऐसा हमने भी बच्चों से पूछा है, बाकी हम श्योर नहीं है क्योंकि स्कूल का हमें इतना आइडिया है नहीं, बट कॉलेज में फोन अलाउड है तो बस। और अटेंडेंस का ध्यान रखना, वनस्थली में आपकी अगर शॉर्ट अटेंडेंस रह गई तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। वो इवन में लगी है तो इवन में देना पड़ेगा, ओड में आपका एग्जाम छूटा तो आपको ओड में देना पड़ेगा। और घर से आओगे अपना यूनिफॉर्म का है कि बनस्थली की यूनिफॉर्म यहाँ से ही मिल जाती है। और अगर आपका ये कि आपके घर के पास से आप, अगर आपको कहीं से खादी का कपड़ा मिल रहा है तो आप यूनिफॉर्म का सेम कलर का कपड़ा लेके अपना घर से स्टिच करवा के ला सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यूनिफॉर्म आपको बनस्थली से ही लेनी है। अपना बाल्टी, एक मग हो गया नहाने वाला, बर्तन हो गया, प्लेट, कटोरी, चम्मच। देखो, जो बेसिक चीजें हमें चाहिए होती है ना डेली लाइफ में, वो आपको लेकर आना है, जो हम घर पे यूज करते हैं वो जो आप एक दिन में यूज करते हो वो सारा सामान आपको यहाँ चाहिए होगा ऑब्वियसली, तो आपको लेकर ही आना पड़ेगा। नहीं लेकर आते हो तो यहाँ से ले लो, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ घर से लेकर आना, सब अवेलेबल है यहाँ पे, चाहे वो फैन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। साइकिल हो तो साइकिल भी लेना, फर्स्ट ईयर वालों को आएगा साइकिल ले लेना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कोडिंग की क्लास लगाने के लिए आपको सूर्य मंदिर भी जाना होगा, और अगर आपका कोर है तो कोर के लिए आपको शिक्षा मंदिर जाना होगा, लैब्स के लिए जाना होगा अलग अलग जगह, तो उसमें आपको ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हर टाइम मेटा नहीं मिलेगी। तो आप फर्स्ट ईयर में आकर साइकिल ले लो, 4 साल साइकिल चलाओ, जाते टाइम बेच दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन था कि वनस्थली बीटेक के लिए अच्छा है या नहीं है। तो गाइस, वनस्थली बीटेक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। अगर हमारी स्ट्रेंथ 120 है तो 110 बच्चों का तो प्लेसमेंट होता ही होता है, ऐसा है। तो बाकी आप खुद जज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग कि कैसा है बीटेक के लिए, कैसा नहीं है। और बाकी पढ़ाई की बात है तो टीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि कॉलेज में टीचर्स प्रोफेसर आपकी सुनते नहीं है या फिर कुछ पढ़ाते नहीं, एक टॉपिक बताएंगे और चले जाएंगे, बनस्थली में ऐसा कुछ नहीं है। टीचर आएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, डाउट्स भी लेंगे अगर आपको डाउट्स है तो आप बाद में डिपार्टमेंट में जाके भी पूछ सकते हो अलग से डाउट्स, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। बनस्थली की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बुक्स इशू करवाओ, बुक से पढ़ो, टाइम टू टाइम अपना बुक्स वापस बनस्थली लाइब्रेरी में जाके दो, तो इट्स ऑल गुड। एक क्वेश्चन है कि वाईफाई की स्पीड का क्या सीन है यहाँ पे, आई मीन स्पीड अच्छी है या बुरी है। तो गाइस, ऐसा है कि अगर आप बनस्थली का वाईफाई लेते हो तो उसका पर्टिकुलर टाइमिंग्स है, आई गेस शाम को 5 से रात को 2 बजे तक है, एंड इन मॉर्निंग 5 to 9 है, ये टाइमिंग है इनके वाईफाई का। एंड उस वाईफाई में आप सब कुछ नहीं चला सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सीरीज देखनी है, मूवीज देखनी है, तो सॉरी गाइज, आप कुछ भी नहीं देख सकते हो, इवन आप व्हाट्सएप भी नहीं चला सकते हो, कुछ भी नहीं चला सकते हो। आप उस नेट से सिर्फ यूट्यूब चला सकते हो, ठीक है, गूगल पे आपको मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही होता है गेस इनका वाईफाई, कि आप सिर्फ स्टडीज कर पाओ, कुछ फालतू डिस्ट्रक्शन वाले उसमें ना जाओ आप ट्रैक पे, तो इसलिए इनका थोड़ा है लिमिटेशंस हैं, उस पे साइट्स ब्लॉक की हुई है, तो आपके लिए ही वैसे आपके लिए अच्छा है ऑब्वियसली, बट फिर भी अगर आपका ऐसा ना कि मुझे सिर्फ मूवीज के लिए इन सब के लिए देखना है तो आप खुद का लेकर आओ फिर यहाँ पे, तो आपको जो मिलेगा उसका ये स्पीड ठीक है, अच्छी है, ऑब्वियस बात है अगर इनका वाईफाई है तो उसकी स्पीड अच्छी है। आप जो भी फोन लेकर आओगे उसमें जो भी सिम है उसके नेटवर्क्स हर जगह अच्छे नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी है कि वहाँ कौन से सिम का नेटवर्क ज्यादा आता है। तो गाइस, ऐसा है कि हॉस्टल टू हॉस्टल डिपेंड करता है कि आपके हॉस्टल में कौन सी सिम चल रही है, लाइक इसके पास जियो है, बीएसएनएल है, मेरे पास एयरटेल है, जियो है, किसी के पास वोडाफोन है, किसी के पास कुछ है, तो सबका सिम है, बट आई गेस एयरटेल थोड़ा सा कम चलता है यहाँ पे, जियो ज्यादा चलता है, अगर बीएसएनएल वोडाफोन है तो वो थोड़ा ज्यादा चलता है क्योंकि कम लोगों के पास है तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा चल जाता है, फ्रीक्वेंसी कम रहती है। हाँ गाइज, बहुत लोगों ने पूछा हुआ है खादी के लिए कि खादी कंपलसरी है कि नहीं, तो वनस्थली आई गेस फेमस ही खादी के लिए है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ का एक ही रूल है एंड दैट इज खादी पहनना, तो वो तो आपको पूछना भी नहीं चाहिए। वनस्थली अगर आप आ रहे हैं तो आपको खादी ही पहनना है, डिपार्टमेंट जा रहे हैं आप तो आपको खादी ही पहनना है,
और नहीं भी जा रहे हो तो हम बोलेंगे कि पहनो, क्योंकि यहाँ का जो भी वेदर रहता है उसके लिए खादी बेस्ट है। क्योंकि अगर यहाँ गर्मी है तो यहाँ बहुत गर्मी है, आपको यहाँ एसी कूलर नहीं मिलेंगे गाइस, तो ये सोच के मत आना कि आपके हॉस्टल में एसी होगा कूलर होगा, नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको फैंस मिलेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को ज्यादा गर्मी लगती है तो सीधी सी बात है उसको प्रॉब्लम होगी एडजस्ट करने में, इसलिए खादी चूज किया इन लोगों ने, क्योंकि काफी अच्छा फैब्रिक है, आपकी बॉडी को सूट करता है, बहुत अच्छा है, इसलिए खादी कंपलसरी है और हम यही प्रेफर करेंगे। हम फोर्थ ईयर में आ गए, हाँ इनिशियली हमें भी प्रॉब्लम हुई थी कि खादी 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 हम नहीं पहनते थे, बट हाँ अब हमें पता चल रहा है कि खादी अच्छा है और पहनना चाहिए। इवन इस बार हम सिर्फ खादी लेकर आए हैं, वरना पहले हमने भी ऐसा किया था कि नया चेंज करते कॉटन पहन लेते कॉटन पहन लेते, बट खादी बेस्ट है गाइस, बेस्ट है, खादी लेकर आओ। बहुत बच्चों ने एडमिशन का पूछा है कि एडमिशन का एग्जाम जो है वो टफ आता है, इजी आता है, कुछ भी, तो आपने प्लस टू कितना पढ़ा है, एम्पीट्यूड का तो आएगा ही, कि एप्टीट्यूड तो कितना क्वेश्चंस है, कुछ और बाकी जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग भी आएगा एग्जाम। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, बनस्ले के एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो इजिली, और एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो जिस जिसको बीटेक में या किसी भी और कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर आओ, एडमिशन चलते रहेंगे आई गेस अगस्त तक, और आओ एडमिशन लो। हॉस्टल्स भी अच्छे हैं बनस्थली के, एनवायरनमेंट भी इस टाइम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, मौसम ठंडा भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ग्रीनरी है, और बनस्थली का मौसम भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो बनस्थली की सीनरी भी चेंज होती रहती है। इस टाइम यहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं, घास है, जैसे सर्दी आएंगी जनवरी में जाके रेत हो जाएगी। अच्छी बात है कि यहाँ पे इतनी सारी जगह से बच्चे आते हैं, आपको इतना सब कुछ देखने को मिलता है, सबकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, सबका ड्रेसिंग अलग है, सबको अलग अलग तरीके की चीजें पता होती है, अलग अलग चीजों मतलब चीजें बनाने भी आती है, चाहे वो फूड हो चाहे वो कुछ भी हो। गाइस कैटल अलाउड नहीं है, ठीक है, तो प्लीज कैटल अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है वैसे, बट ठीक है अगर आप रख भी रहे हो तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि छुपा कर अपने रिस्क पे रखो, अगर आप रख रहे हो तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं, पर हाँ कुछ और मत लेकर आना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, और आपका सामान रख ले तो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर जितने भी ईयर का आपका कोर्स है, वेदर इट इज बीएससी बीसीए और वट एवर योर कोर्स इज, अगर आपका कोर्स लंबा है तो जितने भी ईयर्स का है आपको, जब आप कॉलेज छोड़ोगे तभी आपको आपकी चीजें वापस मिलती है, उससे पहले आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता है, तब उस चीज का ध्यान रखना। और बच्चों ने पूछा था, बहुत बच्चों ने पूछा है कि यहाँ पे रहना इजी है कि नहीं है, कैसे सरवाइव करना है क्या नहीं है, तो गाइस आप जब आओगे, एक बात तो है कंफर्ट जोन से जब निकलोगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि वनस्थली में जितना आपको फेस करना पड़ता है उतना कहीं फेस नहीं करना पड़ता, हर कॉलेज आपको कंफर्टेबल फील कराता है, बट यहाँ पे आपको कुछ डिफिकल्टीज होती है इनिशियली। आप आओगे आपको हॉस्टल से क्लास तक जाना जो बहुत दूर है, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दूर है, अगर डिपार्टमेंट आपका दूर है तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, बट उस सबका रिजल्ट आपको लास्ट में, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो प्लेसमेंट का टाइम मिलेगा, कुछ और कर रहे हो तो कहीं और मिलेगा, बट ट्रस्ट मी आपको यहाँ पे जितना भी स्ट्रगल कर रहे हो आप या करोगे आपको उसका रिजल्ट एंड में ही मिलेगा, एंड बहुत बहुत अच्छा मिलेगा, वो हमें अब दिख रहा है क्योंकि अब हम फोर्थ ईयर में आ चुके हैं, तो अब हमें पता है कि 3 साल बाद वी नो एवरीथिंग अबाउट बनस्थली, तो वी कैन से कि हाँ भाई उसका रिजल्ट हमें अब दिख रहा है, तो प्लीज आप ये मत सोचना कि बहुत गलत है बहुत गंदा है, नहीं, और यहाँ का जो वेदर है बहुत प्यारा है। अगर अभी रेनी सीजन है तो आपको हर जगह इतना ग्रीन 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 मिलेगा, ठंडे में आपको ऐसा लगेगा हम डेजर्ट में आ गए कहीं पे, सिर्फ मिट्टी 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 मिट्टी, तो वो हर जगह नहीं होता क्योंकि हर कॉलेज ऐसी जगह पे नहीं बना होता, आप लोगों को पता से बिल्डिंग्स एंड ऑल वो सब होता है, बट यहाँ पे अब प्रॉपर गांव भी आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसी जगह से आ रहा ना जिसने सिर्फ सोसाइटी देखी है कुछ भी नहीं देखा, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, तो आपको यह सब मिलेगा, मिट्टी से बर्तन कैसे बनते हैं, गांव में लोग रहते हैं वो हाथ से खादी कैसे बनता है, खादी अगर आपको लेना है ना, अगर आपको नहीं पता कभी पहना ही नहीं है, आप यहाँ आके देखो, यहाँ खादी बनता है, एक एक थ्रेड बनता है उससे हमारे कुर्ते बनते हैं, तो यहाँ खादी का प्रॉपर एक एरिया है जहाँ ये सब होता है, आप खादी भंडार, हाँ खादी भंडार नाम की जगह है, आप आओ आप देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा अब जाके हम लोगों का ये मानना है कि अपनी लाइफ में सबको एक बार वनस्थली आना चाहिए, एडमिशन मत लो पर आना जरूर चाहिए, जैसे हम किसी प्लेस को विजिट करते हैं हम उसके बारे में जानते हैं, तो वनस्थली एक ऐसी प्लेस है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है गाइस, क्योंकि सब लोग साइकिल से जाते हैं, इवन टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, साइकिल से ट्रैवल करते हैं, बाइक से ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग कार से ट्रैवल करते हैं, बट पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है, आप आओगे आपको इतना अच्छा लगेगा ना यहाँ पर, आप फुटपाथ पे बैठोगे, भजन चल रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह 6 बजे आप वॉक पे जाओ, आपको तब भी वही भजन पूरे रोड पे चलते मिलते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। आप डिप्रेशन में तो जा ही नहीं सकते, होम सिकनेस इज अ डिफरेंट थिंग, ऑब्वियस बात है, आप आओगे आपको होगा इनिशियली, बट और कुछ भी नहीं होगा आपको, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बहुत गलत जगह आ गए, इनिशियली लगेगा, हम खुद कह रहे हैं हमें भी लगा था भाई कहाँ आ गए, पर अब नहीं लगेगा क्योंकि हम सब कुछ एक्सेप्ट कर चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के लोगों को, हर चीज़ अब हमें सब अच्छा लगता है। बाकी कुछ बच्चों ने खाने का पूछा था कि मेस में खाना कैसे बनता है नॉल, तो मेस में खाना अच्छा बनता है, ब्रेकफास्ट करो अपना टाइम से, क्लास जाओ, लंच में आओ, लंच में आपको दाल राइस, एक सब्जी होगी, चपाती होगी और दही होगा दोपहर को, और रात को भी कोई दाल होगी दूसरी, राइस होगा, रोटी होगी और सब्जी होगी। खाना अच्छा है बनस्थली का, मिर्च मसाला कुछ ज़्यादा नहीं है, और सिर्फ मेस की बात नहीं है, कैंटीन में भी मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं रखते हैं लोग, तो आपको पेट में दर्द या फिर कोई भी फूड पॉइजनिंग वगैरह ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। और यहाँ पे बहुत हेल्पफुल लोग हैं, अगर आपको कैंटीन में भी कोई दिक्कत हो रही है और वहाँ पर कोई भैया जी मिल जाएंगे तो वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। आपको यहाँ पे आके ना लोगों को भी देखने को मिला, सिर्फ अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग भी है, तो प्लीज मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि आपको यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। सिर्फ अच्छी चीजें बता के कुछ भी नहीं होगा, हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ ये देख के यहाँ आ जाओ, नहीं गाइज, आपको सब पता होना चाहिए यहाँ के बारे में, आपको यहाँ आने के बाद में बहुत बुरा भी लगेगा, ठीक है, सब कुछ होगा क्योंकि जगह ऐसी है, ऑब्वियस बात है, हर तरह का इंसान मिलेगा, अच्छा इंसान मिलेगा तो बुरा इंसान भी मिलेगा, ये सोच के मत आना कि हर इंसान अच्छा और ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, इनिशियली जो दोस्त बने उन पे ज्यादा ओवर ट्रस्ट मत करना, ठीक है, दोस्त बने हैं, टेक योर टाइम, उन्हें जाना क्योंकि आप अलग अलग जगह, हर साल आपके दोस्त चेंज होंगे, ग्रुप चेंज होंगे, हर नया इंसान मिलेगा तो आपको लगेगा ये अच्छा इंसान है, लेकिन ओवर शेयर मत करना, ओवर इन्वॉल्व मत होना, हम ये नहीं कह रहे कि दोस्त ही मत बनाना, दोस्त बनाओ, और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे स्पेशली वो आप लोग पहली बार घर से बाहर निकल कर आ रहे हो, नए लोग मिलेंगे, हाँ दोस्त बनाओ, नए लोग मिलेंगे, सोच समझ के दोस्ती करो और बेसिकली अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो।